और श्री राजीव कुमार जी डीजी आईसीसीआर और प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह कावे जी से आज्ञा लेते हुए अपना ये दूसरा सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज्ञा जी आप सबसे और आपको बता ही चुके हैं कि हमारे यहाँ दो आज अध्यक्षीय भाषण है और वो हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टर ऋषि तोष कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं और ये जो दो दिवसीय वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं ये बहुत दिनों से लगे हुए थे और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे और वाकई में आज वो घड़ी आ गई है एक तरह से उसको अब एक डेढ़ घंटा हो गया हमारे करते करते, लेकिन इसके पीछे इन्होंने और इनकी धर्म पत्नी आचार्य जागृति ने बहुत मेहनत की है और धन्यवाद धन्यवाद जी जी। और ये ऋषि तोष जी से तो वैसे पटना से बिलोंग करते हैं लेकिन ये वहां से चलते चलते अपना तबला सीखते हुए और तबला जो श्री जगत नारायण सिंह जी से वहां से सीखते हुए यहाँ बनारस पहुंचे और बनारस से फिर इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली है, वहां पर तबला के विख्यात पंडित चतुरलाल छोटेलाल मिश्र जी से इन्होंने प्राप्त किया जो कि बनारस घराने के विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं मैं कि डॉक्टर ऋषि घोष पहले शायद डॉक्टरेट उन्होंने तबले के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, वो पहले मेरे ख्याल से ऐसे शोधार्थी थे जिन्होंने तबले में पीएचडी प्राप्त की, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका सबसे बड़ा योगदान ये है ऋषि तोष जी का कि वहां पर इन्होंने ही वहां पर संगीत शिरोमणि और एमए एमफिल के कोर्स खुलवाए, तो एक बहुत बड़ा योगदान है इनका ऋषि तोष जी का क्योंकि इससे पहले डिपार्टमेंट में तबला नहीं था, ये तो इनके अथक प्रयासों से वहां डिपार्टमेंट शुरू हुआ और ये अब वहां पर ही अभी तक कार्य कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हो गए इनको 15-16 साल तो हो गए होंगे मुझे लगता है वहां काम करते करते इनको, और कितने साल हो गए बंधु? 12 साल हो रहे हैं ठीक, काफी साल हो गए, मैंने 15-16 साल मेरे को वैसे ही मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा ही हुए होंगे। और ये आपने आपने तो यूजीसी फेलोशिप भी प्राप्त हुई, आपको अवार्ड हुआ था और इसके अतिरिक्त आपको बहुत अवार्ड और ऑनर्स मिले हैं, एक एक करके अगर बोलने जाएंगे तो बहुत सारे बहुत समय बीत जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपने जो दो पुस्तकें लिखी हैं वो बड़ी लाजवाब लिखी हैं, संगीत शिक्षण के विविध आयाम और दूसरा तबले के उद्गम एवं दिल्ली घराना, और उसके अतिरिक्त तो आपने बहुत बड़ा काम किया है और इंटरनेशनल प्रोग्राम सेमिनार वर्कशॉप में भी आपने खूब नाम कमाया है और भगवान करे आप और आगे खूब नाम कमाए और ये भी आप काम खूब बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ऋषि तोष जी और उनकी पत्नी का अनेकों अनेक धन्यवाद, ये जितना भी आप टेक्निकल सब देख रहे हैं ये सब उन्हीं की उनकी पत्नी का करा रहा है आचार्य जागृति जी का, तो वो भी इसकी बधाई की पात्र हैं कि वो बिल्कुल बशाना उनसे साथ चलते हुए काम करती हैं। और आज के हम टॉपिक पर आते हैं जी, रोल ऑफ डांस इन मेकिंग लाइफ हेल्दी। इसमें कोई शक नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी सभी बात कर रहे हैं तो सारी बात वहीं पर आती है, फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें बहुत प्रभावित करती है, ये फ्रीक्वेंसी है कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, चाहे वो म्यूजिकल हो चाहे वो कैसे भी हो, एक चाहे हम जैसे मान लीजिए हमें कोई राह चलते चलते कुछ चीज ही अच्छी लग जाती है, ये सब फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है। आप देखिए रेडियो भी अपने जैसे हम उसको ट्यून करते हैं तो रेडियो ट्यून कर वहीं पर आके सुई रुकती जहां पर वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो सारा खेल संगीत में फ्रीक्वेंसी का ही है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये तो गायन और वादन में तो है ही, वो हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन यदि डांस को देखें तो डांस तो और भी प्रभावित करता है क्योंकि डांस में तो पूरे शरीर की भाव भंगिमाएं हाव भाव मुद्राएं इतना कुछ इन्वॉल्व होता है कि मुझे तो ये लगता है कि गायन और वादन से अधिक अगर हमें कहीं अगर परमात्मा से अगर वो मिलाता है हमें तो शायद वो नृत्य ही। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी नृत्याचार्य थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी भावना है,
हो सकता है अभी हमारे जो डॉक्टर नीलू शर्मा जी और हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट आएंगे अभी वो बताएंगी, डॉक्टर नागर भी बताएंगी कि वाकई में कि जो जो नृत्य है वो हमें ज्यादा नजदीक करता है परमात्मा की ओर उन्मुख करने में, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे जैसे पहले वक्ता हैं डॉक्टर नीलू शर्मा जी जो कि अपना यहाँ से आगरा से हैं, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हैं, और वे उन्होंने अपना एमए तबला फर्स्ट पोजीशन की आगरा यूनिवर्सिटी से, पीएचडी भी उन्होंने वहीं से किया, पीएचडी म्यूजिक है, संगीत प्रवीण है वे, और संगीत भास्कर भी हैं कथक डांस में। एक बहुत अच्छी बात है कि वे बहुत अच्छी तबला वादिका भी हैं और बहुत अच्छी कथक डांसर भी हैं। तो मुझे लगता है आज वो जो हमें बताएंगी कि किस प्रकार से कि हमारा डांस जो है और तबला भी निश्चित ही कि हमारी हमारी जो लाइफ को कैसे हेल्दी बनाता है, और विशेषकर मैं तो बल्कि क्या नाम है हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनको भी मैं कहूंगा, प्रोफेसर विधि नागर जी को भी, कि वे भी बताएं कि एक अब दोनों महिला हैं तो महिला को भी कैसे डांस और प्रभावित करता है उनकी सेहत को, अच्छी सेहत के लिए उनको कैसे डांस प्रभावित करता है। और पहले पहले हमारे वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नीरू शर्मा जी को कि वो आए और हमें अपने इस बारे में कुछ हमको ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार आदरणीय रवि शर्मा जी, कुमार विशितोष जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय पद्मश्री पंडित राजेश्वराचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित लावण्य कीर्ति काव्य दीदी और परम आदरणीय डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। और आज का जो विषय है कि जीवन को हेल्दी बनाने में या जीवन को स्वस्थ बनाने में नृत्य का की भूमिका क्या है, तो इस विषय पर मुझे 10 मिनट बोलने के लिए कुमार ऋषितोष जी ने कहा है। मैं उनको आभार देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाच और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे यहाँ पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मैं हृदय से उनकी आभारी हूँ। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को मैं उसमें कहना चाहूंगी, कम शब्दों में ज्यादा बात कह सकूं कोशिश ये करूंगी क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। तो हम सबसे पहले आते हैं, नृत्य हमारी एक संस्कृति का अभिन्न अंग है। कला कोई भी हो वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। संस्कृति मीन्स हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी धरोहर, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा शैली जो कि हर 12 किलोमीटर पर जाकर के चेंज हो जाती है, इसीलिए वो हमारी संस्कृति हर 12 किलोमीटर पर थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन आता चला जाता है। तो कला चाहे कोई भी हो, चाहे वो नृत्य कला हो, संगीत कला के अंतर्गत आती है, काव्य कला हो, वास्तु कला हो, चित्र कला हो, ये सभी कलाएं हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। अभिव्यक्ति हम जब अपने मन के अंदर जो भाव होते हैं उनको जब हम प्रकट करते हैं, अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, तो ही कलाओं का जन्म होता है। इस संदर्भ में मैं हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय जी के उसमें मैंने एक बहुत छोटी थी तब एक कला के संदर्भ में उनका एक मैंने छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ा था कि कला का उदय जीवन से है, उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन उसे दिशा प्रदान करना है। वह जीवन में जीवन डालती है, वह स्वयं साधन न बनकर एक बृहत्तर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। वह जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊपर उठाती है। वह जीवन के नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती है। अतः कला, या हम कह सकते हैं कि कला जो है हमको जीवन जीने का सबसे निकट माध्यम है, जिसको हम अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। अब हम संगीत कला की बात करें, संगीत कला में आपके गायन, वादन एवं नृत्य तीनों ही विधाएं आती हैं। गायन के संदर्भ में अभी
लावण्य कीर्ति दीदी ने बहुत अच्छा हम लोग को बताया, राग के संदर्भ में बताया, और तबले में ताल के 10 प्राणों को जोड़ते हुए श्री गोपाल मिश्र जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया कि ताल के 10 प्राण किस प्रकार से वो जीवन के योग्य बनते हैं और उनको किस प्रकार से हम जीवन मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ नृत्य कला की बात करते हैं। हमारी नृत्य कला को यदि हम देखें तो नृत्य के संदर्भ में हमारा ये कहा जाता है कि हमारे चाहे जीवन के जो हमारे संस्कृति में 16 संस्कार बताए हैं, वहां जहां से हम बालक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे संगीत किसी ना किसी रूप में हमारे जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार नृत्य कला को भी यदि हम देखें तो एक स्टेटमेंट है, मानव जीवन के होते जितने संस्कार समाज के उत्सवों का नृत्य है मुख्य आधार। तो उत्सव भी हमारी संस्कृति का अंग है, तो हमारे उत्सव में भी एक नृत्य है, अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। और दो प्रकार के हम देखें नृत्य तो प्रचलन में है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो हमारे जिसमें हमारी शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है, वो चाहे कथक नृत्य हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो, कोई भी हमारा शास्त्रीय नृत्य हो। लोक नृत्य जो हमारी सामान्य जनता के निकट होते हैं, वो अलग अलग आपके जैसे ब्रज क्षेत्र के अलग आपके पारंपरिक लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड के अलग हो गए, ये अलग अलग जगह के हमारे अलग अलग लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। तो नृत्य के संदर्भ में कह सकते हैं आनंद की चरम अवस्था का नाम ही नृत्य है। नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। यह एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ ही हुआ है। बालक जब से जन्म लेता है, हाथ पैर चलाना, भाव भंगिमाएं करना, अपने हाथ को चलाना, अपने को मुड़ना, ये सब एक नृत्य से ही उसकी बालक की शुरुआत होती है। धीरे धीरे हम इसको सीखते चले जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य की हम शिक्षा लेते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, अलग अलग रूपों में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। हम अपने रियाज से, अपने साधना से, अपने चिंतन से, अपने मनन से हम उसको एक दिशा प्रदान करते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। तो नृत्य कथक नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो कथक नृत्य एक हम जिसको कह सकते हैं योग भी है। जैसे अभी उन्होंने पंडित रवि शर्मा जी ने बोला कि नृत्य सबसे जीवन के करीब है। तो ये सबसे हम जीवन की जो गतिविधियां होती हैं, जो हम व्यवहार में जो चीजें लाते हैं, वो हम सबसे निकट हम नृत्य को ही पाते हैं, क्योंकि नृत्य में हम जो भी कुछ प्रस्तुत करते हैं वो जीवन का एक आधार होता है, जीवन का सार होता है। अनेक प्रकार से हम जैसे उनको मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, हम अलग अलग दिखाते हैं, तो मुद्राएं भी एक योग होता है। योग मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3 पार्ट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। हमारी जब आत्मा और मन का जब एकीकरण हो जाता है शरीर का, तो जब संतुलन में जब हम ये सब प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा एक योग होता है। योग के संदर्भ में यदि मैं कहना चाहूंगी कि योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों इत्यादि में अति पुरातन काल से व्यवहार होता चला आ रहा है। भारतीय दर्शन में योग अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदर्शन व समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग दर्शन की उपदेशता महर्षि पतंजलि योग शब्द का अर्थ वृत्ति निरोध करते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति में पंच विधि वृत्तियां जब अभ्यास एवं वैराग्य आदि साधनों से मन में लय को प्राप्त हो जाती हैं और मन दृष्टा आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब वह योग होता है। योग में हम एक समाधि की तरीके से कार्य करते हैं, हम एकाग्र होते हैं। जो एकाग्रता, जो चिंतन और जो हमारा मन है, वो हमारा रियाज के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। हम जब गुरु सानिध्य में उसकी सही शिक्षा प्राप्त करते हैं, तभी हम उस अभ्यास कर पाते हैं और उस अभ्यास के बाद ही हम उसमें देख सकते हैं कि जीवन की हम उसको किस प्रकार से उसको जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। कि यदि मान लीजिए हमने उसका गलत अभ्यास कर लिया तो हम उसको जीवन के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। अब हम नृत्य के अगर चरण की बात करें, हम तत्कार की बात करें, तत्कार देखिए, तत्कार में जो हम पैरों को स्ट्रोक जमीन पर देते हैं तो हमारे पैर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दबते हैं, जो उनका जो उन पर जो दबाव पड़ता है, तो वो जो दबाव पड़ता है तो बहुत सारी बीमारियां
उससे दूर होती है, ये नहीं कह सकते दूर हो सकती है, ये कह सकते हैं हम, जैसे लावण्या दीदी ने कहा कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको प्रयोग में लाते हैं और कहीं कहीं हम 50% या 70%, कभी कभी हम 80% सफल भी होते हैं। ये व्यक्ति विशेष की ग्रहण करने की शक्ति पर डिपेंड करता है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम कितना है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि नृत्य के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है हमारे, क्योंकि उस सांसों को जो नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, तो जब शरीर और सांस दोनों हमारी नियंत्रण होती है तो वो एक योगा ही होता है। हम पैर में जब हमने पैरों को नियंत्रित करके उसमें ध्वनि निष्पादन किया, वो एक निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है। निरर्थक शब्द नृत्य के जो बोल है वो भी निरर्थक है। निरर्थक शब्द को हम सार्थकता अपने अभ्यास से देते हैं, उसके मारने के तरीके, पैर को स्ट्रोक जमीन पर करने के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि हम उसके कितने सही दिशा में उसको रूप में हम पैर को मार रहे हैं, तो हमारा जो उसका जो पॉइंट जो दब रहे हैं तब भी हमारी वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को हल भी कर देता है। अगर हम इसी प्रकार हम मुद्राओं को देखें तो अनेक प्रकार की मुद्राएं जो प्रयोग में लाई जा रही हैं वो हमारी सब योगा से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जीव जो हमारे योग शास्त्र में मुद्राएं बताई हैं वो उसके बहुत ही करीब हैं। उन मुद्राओं के माध्यम से हमारे जो पॉइंट्स हैं हाथ के या उंगलियों के, उन पर भी हमारा दबाव पड़ता है, तो हमारे जीवन शैली को जीने में भी हमारे को सहायक होता है। अब दूसरी तीसरी हम आते हैं, हम जब गर्दन का संचालन करते हैं तो गर्दन का संचालन करते हैं नृत्य में, गर्दन का संचालन भी महत्वपूर्ण है। जहां हाथ जा रहा है वहीं पर आपके गर्दन भी मुड़ रही है, जहां आपका हाथ की जो हम आपकी जो एक्सरसाइजेज जो आपके जो आपके चरण जो बनाए गए हैं हाथ को चलाने के लिए, उनको भी जब हम सही दिशा में ले जा रहे हैं तो हमारा हाथ हमारा शरीर का जो कंधे का बैलेंस है वो भी जा रहा है, हमारी जो दिशा है हमारी वो भी जा रही है। तो वो जब सब एक दिशा में जा रही है तो पूरा बॉडी मूवमेंट हमारा उसमें हो रहा है। जब हमारी पूरा शरीर का जब संचालन हो रहा है तो निश्चित रूप से ही वो हमारे को शरीर को बैलेंस करने में हमको सहायता प्रदान करेगा, शरीर में संतुलन स्थापित करने में हमको सहायता देगा। और इसी प्रकार से यदि हम आंखों के संचालन की बात करें तो आंखों की हमारी विभिन्न दृष्टि भेद बताए गए हैं नृत्य में, अलग अलग प्रकार से बताए हैं हम किस प्रकार से दृष्टि को चला रहे हैं, हम उनके अंदर हम कितना स्थायित्व दे रहे हैं उस पर भी हमारा निर्भर करता है, क्योंकि डांस में आंखों का संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रयोग एक मैंने भी अपने उसमें करके देखा कि मैं अपने ऊपर भी मैंने एक प्रयोग किया और एक मैंने एक स्टूडेंट के ऊपर भी इसी तरीके का एक प्रयोग किया था। उसकी स्क्रीन टाइज थी तो एक मेरे पास आई वो कि मुझे नृत्य सीखना है, तो मैंने उसको बोला, उसको देखने में प्रॉब्लम थी कि आप नृत्य कैसे सीखोगी, तो मैंने उसको कुछ डांस की एक्सरसाइज 2-2.5 साल तक कराई। तो उसको उसका जब मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर के सानिध्य में रह करके मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उस आंखों की एक्सरसाइज में मुझे 80% तक उस स्टूडेंट के साथ सफलता प्राप्त हुई। उसकी स्क्रीन टाइज जो थी उसको उसमें स्थायित्व आया, जो एक जगह टिकती नहीं थी वो नृत्य की एक्सरसाइज के माध्यम से उनमें उसमें सुधार पाया गया। तो ये कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद पता चला कि आंखों में 2 प्रकार की हमारी जो होती है इंटरनल होते हैं, एक बहुत अंदरूनी होती है, एक जो ऊपर से लेयर होती है। ऊपर से लेयर में यदि किसी विद्यार्थी या किसी को भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसको डांस की इस तरीके की एक्सरसाइज देते हैं, या वो लोग भी डॉक्टर भी एक्सरसाइज कराते हैं, वो भी इसी प्रकार की एक्सरसाइज कराते हैं कि आंखों को एक जगह टिकना है, उसको स्थिरता देना। तो नृत्य में भी वही काम होता है कि अगर हमने कहीं पर एक पोज दिया या हम कोई भाव प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक जगह पर आंखों को स्थायित्व दे रहे हैं, तो वो स्थायित्व जो प्रदान होता है उससे कई गुना तक आंखों में परिवर्तन भी आता है। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी करके देखा, मेरी बचपन से आई साइड वीक थी और आज तक मेरा सेम नंबर बना हुआ है उन आंखों की एक्सरसाइज से, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। तो ये डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी आंखों में नंबर बहुत कम, एक एज पर जाकर के थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, वरना इसमें स्थायित्व बना रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम नृत्य के माध्यम से इस तरीके का प्रयोग करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तीसरा, यदि हम देखिए हाथ के मूवमेंट के पीछे बैक एक्सरसाइज भी करते हैं हम, तो हमारी पूरी कमर से लेकर के हाथ तक
हमारा सारा मूवमेंट हो रहा है, हमारा पूरी जो सर ने बोला रवि सर ने कि महिलाओं को किस हद तक इसमें सफलता मिलती है, महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, डॉक्टर बताते भी हैं कि आप इस तरीके की एक्सरसाइज करिए, वो हमारी सारी एक्सरसाइज जो डांस में होती है, चाहे हम पैर के मूवमेंट से करें, घुटनों की भी एक्सरसाइज है जो उसमें बहुत सारी आ जाती है, पैर की भी आ जाती है, हाथ की भी आती है, आंखों की भी आती है, आपकी मुद्राओं से आपकी योग के बिल्कुल निकट लेकर के नृत्य आ जाता है, उससे भी होता है। दूसरा हम पढ़ंत की बात करें, चाहे वो तबले की पढ़ंत हो, चाहे हमारे नृत्य की पढ़ंत हो, तो हम पढ़ंत करते हैं तो पढ़ंत से हमारी जो जीवा जो हम चलाते हैं, या हम तगड़ तगड़ दिन तगड़ तगड़ दिन तगड़ तगड़ तक तगड़ तगड़ तक इस तरीके के बोल जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो बोलने की जो क्षमता होती है वो भी विकसित होती है, और हमारी जीव में भी वाणी में भी हमारी सफाई आती है। और ये एक्सपेरिमेंट भी एक मैंने करके देखा था, एक हकली लड़की थी, हकलाती थी बात करने में, तो मैंने उसको कई सारे ये तबले के और डांस के मैंने उसको बोल दिए, तो एक एज पर 3-4 साल बाद उसको आते आते उसकी थोड़ी थोड़ी उसकी हकलाहट में कमी आती चली गई, आज वो बिल्कुल ठीक से बोलती है, और उसको उसके जबकि मदर फादर उसके खुद भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनका कहना था कि ये मुंह से बोलने की जो एक्सरसाइज है इसमें इसमें एक आत्मविश्वास की जागृति हो रही है, क्योंकि ये चीजें जो आत्मविश्वास की कमी से हमारे अंदर डेवलप होती है, तो उसमें आत्मविश्वास को वो जागृत करने में एक सहायक सिद्ध हो रहा है ये नृत्य। तो इस ये अगर रेगुलर सही रूप में कोई विद्यार्थी करता है या उसका प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से हमारे इसमें नृत्य की जो एक्सरसाइज है जो हमारे योगा के बहुत ही निकट है उनको करने में हमको सहायक सिद्ध होता है। और एक मैं इसके जो मैंने कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको बताना चाहूंगी कि हमारी नृत्य के माध्यम से जो हम नृत्य हो या तबला हो या संगीत हो ये सभी के ऊपर बात लागू होती है, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, कि जो हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसमें हमारी संगीत सीखने से वृद्धि होती है। संगीत सीख क्योंकि जो भी हम कुछ रिकॉल करते हैं बार बार याद करते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति जो है हमारी उससे हमारी स्ट्रोंग होती है। उस हमें बहुत सारी चीजें जो हम लिख करके या वैसे करके कॉपी बार बार हमको खोलनी पड़ती है संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को, इन सब चीजों को करने से शायद मुझे लगता है स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, उनकी याददाश्त थोड़ी सी तेज होती है, उसमें वृद्धि भी होती है। तनाव हटाने में तो सहायक होता ही है क्योंकि संगीत एक सौंदर्य प्रधान कला है, डांस नृत्य जो हमारा है वो हमारी दृश्य श्रव्य दोनों कला है, तो हम जब उसको देखते हैं मंत्रमुग्ध होकर के तो तनाव से भी हमको दूर ले जाता है। चाहे हम लोक नृत्य की बात करें चाहे शास्त्रीय नृत्य की बात करें दोनों का ही अपना हमारे जीवन शैली में पृथक पृथक महत्व है। और एक ये उच्च स्तर की जो हमारी सकारात्मक सोच है हमारी सकारात्मक सोच में भी वृद्धि करता है, ना हमने यदि सकारात्मक सोच को अपना लिया तो हम जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। जिस नृत्य में हम हाथ को जोड़ना है, हाथ जोड़ना भी एक तरीके से योगा में बोला जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करता है, तो ये सब जो एनर्जी जो पॉइंट से जा रही है वो सकारात्मक सोच की ओर हमको ले जाती है। और दूसरी हमारी नृत्य के द्वारा जो हम जैसा कि गोपाल मिश्रा जी ने भी बोला था कि अनुशासन, अनुशासन में तो शास्त्रीय संगीत पूरा ही होता है, तो हम अनुशासनबद्ध हो जाते हैं कि क्योंकि नियमों के पालन को जब करते हैं तो अनुशासन हमको एक बनाने की भी एक आदत बन जाती है और हमको बनाना भी चाहिए कि हमको जैसे उन्होंने बोला सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है। यदि हमारे को नृत्य की या संगीत की या तबले की या किसी सितार की किसी भी विधा को यदि हमको अभ्यास टाइम हमने एक निश्चित किया हुआ है, यदि हम उस निश्चित टाइम पर अभ्यास करते हैं तो हम उसमें भी हम एक तरीके से अनुशासन में आ जाते हैं और हमारी डेली की दिनचर्या भी एक अनुशासन में चलती है। दूसरा आत्मसंतुष्टि में भी आप मिलती है संगीत से हमको, नृत्य से, तबले से भी मिलती है हमको। हम जब हम निरंतर जब अभ्यास करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि हम एक चरम उसमें आनंद की प्राप्ति करते हैं, वो जो कभी कभी हमें प्राप्त होती है। जब हम उस आनंद की जब प्राप्ति करते हैं तो हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि आती है, हमको लगता है कि हम आध्यात्म के, हम ईश्वर के निकट पहुंच गए हैं,
हम क्योंकि तबला हुआ डांस हुआ ये हमारे निरर्थक बोल होते हैं, इसमें तबले में भी बिल्कुल निरर्थक बोल होते हैं, हम उसको अपनी साधना से चिंतन से ही हम उसको सार्थक रूप प्रदान करते हैं। तो आत्मसंतुष्टि के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, और आत्मसंतुष्टि जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में हमारे जो व्यक्तित्व के अलग अलग चरण है, हमारे ये मनोवैज्ञानिक जो कारण है, हमारी सीखने की क्षमता हो, हमारे रहने का, हमारे उठने का, हमारे बैठने का, है ना, हमारे बोलने का, हमारे सभी तरीके जो है वो हमारे व्यक्तित्व विकास में संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, वादन कला के माध्यम से सार्थक होते हैं। और इस अलग एक और है कि यश प्राप्ति में तो हमको जब ये संगीत होता ही है, जीवन में सफलता देता है, तो यश की प्राप्ति भी होती है, उससे भी हमको आत्मसंतुष्टि की होती है। और दूसरा सबसे जो हमारे सामाजिक लोगों के सबसे निकट लेके आता है, समाज से, हमारे समाज से जुड़ता है, जब हम समाज से जुड़ते हैं तो समाज में जो गतिविधियां हो रही हैं तो वो हम अपने नृत्य में या हम अपने संगीत में या हम उसको उसमें भी लाने की कोशिश करते हैं कि समाज में इस वर्तमान परिवेश में क्या चल रहा है, तो वो हम जोड़ अपनी कला से जोड़ते हैं। कलाकार जो होता है एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक वर्ग में श्रोता जो होते हैं उनसे वो निकट आता है, तो अपने आपको वो गौरवान्वित अनुभव करता है, जो उसको जीवन जीने में एक सहायता प्रदान करता है। और हमारा जो आध्यात्मिक जो मैंने बताया, और क्योंकि जो हम खुशी उसमें हमें प्राप्त होती है, हम उससे आनंद की प्राप्ति करते हैं, चरम आनंद की जब प्राप्ति होती है तो हमारा आध्यात्मिक की ओर भी झुकाव बढ़ता है। अध्यात्म से जब हम जुड़ते हैं तो हम ईश्वर के सबसे निकट ही कहे जाते हैं, कहते हैं संगीत जो सीखता है वो सर्वाधिक निकट होता है, ईश्वर प्रदत्त उसमें गुण होता है, वही संगीत सीख पाता है, तो इसलिए संगीत वाला व्यक्ति सबसे ईश्वर के निकट ही होता है। और दूसरा हमने जैसे मेंटल एबिलिटी की भी बात की थी, तो गणितीय पक्ष को भी हमारे मजबूत करता है, क्योंकि ये भी हमारे जो गणितीय पक्ष जब मजबूत होता है तो हमारे शैक्षणिक कार्य में भी हमारे को सहायता मिलती है, हमारे अंदर योग्यता जो होती है उसको हम निकाल करके ला सकते हैं, और हम जब मंच पर उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो भी निकट हम उसके आ जाते हैं गणितीय पक्ष को मजबूत होने पर। और स्वास्थ्य संबंधी जैसा मैंने बताया आपको, तबले से भी बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं, जब हम तबला बजाते हैं, झरझर का बोल बजाया, तिरकिट का बोल बजाया, धा हमने जो साउंड क्वालिटी बजाई, हमने धा किस स्ट्रोक से बजाया, जो वो पॉइंट दब रहा है उस पॉइंट से हमारी कई कई जगह पर हमको ऐसा संतुष्टि महसूस होती है। बीमारियां तो ऐसा नहीं है दूर हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है वो थोड़ी लेट आए, क्योंकि वो एक हम जो योग साधना जो कर रहे हैं नृत्य से या तबले से या गायन से, तो हमारी जो सांस, जो हमारे प्राणायाम, ये जो है ये सब संगीत में सभी निहित है, हमारा प्राणायाम योगिक जितनी भी क्रियाएं हैं ज्यादा से ज्यादा निकट है। हम जहाँ बैठक की भी बात करें तो बैठते हैं, बैठने का तरीका भी हमारा एक योग होता है, हम कितनी देर तक उस आसन में बैठ सकते हैं, कितने तबले में या गाने में हम कितनी देर तक हम उसमें एकाग्र हो सकते हैं, वो बैठक भी तो हमारे अंदर एकाग्रता को ला रही है। दूसरा, हम बहुत सारे जब नृत्य करते हैं तो जब हमारे पसीना आता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो उससे कई जगह कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है, और रक्तचाप भी होता है उसमें भी थोड़ा नियंत्रण में रहता है, और आपकी सृजनशीलता भी हमारी संगीत के माध्यम से विकसित होती है, सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, क्योंकि कलाएं हमारी ईश्वर प्रदत्त हैं, हम जितना इनको सीखेंगे, जितना हम इनका अभ्यास करेंगे, जितना हम मंच प्रस्तुति में भी भूमिका का निर्वाह करेंगे हम, उतना हमको एक होता है उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, कला कोई भी की जाए उद्देश्य की भी प्राप्ति हो, और हमको एक अपने आत्मसंतुष्टि और ईश्वर के सबसे निकट लाने के लिए भी हम कला की साधना करें और चिंतन करें और मनन करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के नजदीक जो हम आ रहे हैं इस कला के माध्यम से, और जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे लाभ है, हमारे शरीर को हेल्दी बनाने में भी लाभप्रद होगी। अभी लॉकडाउन पीरियड में देखिए कलाकार वर्ग जितना भी ये सब जुड़ा रहा, तो मानसिक रूप से तनाव में नहीं आए, कुछ ना कुछ वर्क करते रहे, कभी वेबिनार के माध्यम से, कभी ऑनलाइन किसी म्यूजिक प्रोग्राम के माध्यम से, अपने प्रस्तुतिकरण माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अपेक्षा करती हूँ कि जो भी कुछ त्रुटि हुई होगी आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन बातें कुछ ऐसी कही हैं जो वाकई में लाजवाब थी और हमको बहुत प्रेरित कर रही हैं। आपने जैसा का संगीत जीवन को जीवन योग्य बनाती है, कितना सुंदर एक एक ये था आपका कहना, और वाकई में सत्य है कि हमारा संगीत चाहे वो गायन वादन नृत्य कोई भी हो वो हमें जीवन योग्य बनाती है और हमें मालूम है कि हमारे जैसा का आप कह ही रही थी कि उत्सवों में भी जो नृत्य है और विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं उस पर हम कितना कितना लोक नृत्य भी और जुड़ा हुआ है, लोक संगीत भी जुड़ा हुआ है, तो कितना वो हमारे हमें समृद्ध बनाती, बल्कि मैं तो कहूंगा। और नृत्य और कथक नृत्य की बात कर रही थी आपने, कहा था ये तो एक योग भी है, और आपने जैसे बताते हो बिल्कुल जैसे बता रही थी बॉडी माइंड एंड सोल, तभी वह योग है जब तीनों इनका सामंजस्य होता है, तीनों का जब एक एक योग हो जाता है, जब तीनों मिल जाते हैं तो अपने आप में योग ही है वो एक तरह, मतलब आपने योग की शास्त्रीय विवेचना भी की, उसकी उसकी डेफिनेशन बताई कि योग का अर्थ है क्या मूलतः असल में। और आपने बड़ी अच्छी एक क्लिनिकल रिसर्च की कुछ बातें कही, जैसे एक्यूप्रेशर की आपने बहुत सुंदर बात करी कि जैसे तत्कार के द्वारा हमारे पांव में जो कोई ना कोई ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो तत्कार द्वारा वो एक्यूप्रेशर द्वारा कुछ ना कुछ हमारे ध्वनि उसमें उत्पन्न करते हैं और कुछ ना कुछ उससे हमारे हमारे स्वास्थ्य लाभ भी हमारा उससे बहुत बहुत होता है, क्योंकि वो तत्कार द्वारा ध्वनि निष्पादन होने से हमारे कुछ ना हमारे जो जितने भी अंदर के जितने भी हमारे ब्लड प्रेशर और जो भी बता रहे थे भी आप, वो भी किसी तरह हमारा प्रभावित करता है। ये बहुत बात है, आपने गर्दन संचालन की बात करी कि किस प्रकार से भी हमारे जो गर्दन संचालन है वो किस तरह से कंधा और पूरा बॉडी को कैसे हमारा महत्वपूर्ण है, आंखों की कितनी बात करी और वाकई में आंखें तो बिल्कुल दृष्टि भेद भी वो बहुत किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से हमारा आपने एक वो बहुत बात करी कि एक बच्चे की जो स्प्रिंट आईज थी वो उसके कैसे आपने उनको उनको बताया कि किस तरह से इनको अभ्यास करने से आंखों से वो स्प्रिंट जो आईज है वो ठीक हो सकती है, और आपने उस बच्चे को कहा, ये तो वाकई में अपने आप में क्लिनिकल रिसर्च है। और इसी तरह से आपने ये जो मेंटल एबिलिटी की बात करी, वाकई में इसमें बिल्कुल वो विकसित होता है उसके द्वारा, बल्कि मैथमेटिक्स भी बहुत उसमें विकसित होता है, उसमें कितना गणितीय कितना उसमें जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन स्वरों के और बोलों के तत्कार के और तबले के उसमें उसको भी हमारे कैसे हिसाब भी हमारे जो मैथमेटिक्स है बच्चे को कितना कितना अच्छा बनाता है। और आपने वो एक हकलाने वाले बच्चे की भी बात करी, वो भी कितना अपने आप में बहुत बेहतरीन क्लिनिकल रिसर्च है, और ये तो बहुत अच्छी किसी मैगजीन में आना चाहिए जैसे आप बता रही हैं, जैसे अच्छे से अगर उसमें आए तो लोगों को पता लगेगा कि, और वाकई में ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लिनिकल रिसर्च हुआ है आपके द्वारा, हो सकता है ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया होगा, आपने ट्राई किया होगा कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बैठा, बल्कि इसको हिट एंड ट्रायल मेथड जरूर रहा होगा, हो सकता है कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बार प्रयोग तो करके देखिए। हम यही शोध है कि हमको अपने नित नए कुछ ना कुछ प्रयोग करने हैं जिसके द्वारा वही बात आ गई, आपने आखिर में बात बोली थी कि उससे आत्मविश्वास आता है कई चीजों, है ना, तो वो आत्मविश्वास आना बहुत बड़ी बात है। आपको हम अनेक धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी जो और एक्सपर्ट है एक डॉक्टर विधि नागर, प्रोफेसर विधि नागर, वो वैसे तो एसोसिएट प्रोफेसर है कथक की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, लेकिन वो मैं तो उन्हें प्रोफेसर विधि नागर ही कहूंगा, वो एसोसिएट ना होकर, बल्कि वो अपने अपने विषय में इतनी परंगत हैं कि वो और कुछ दिनों में मुझे लगता है वो प्रोफेसर तो हो ही जाएंगी, वो तो एक टेक्निकल एक एब्रिविएशन लगना है उसके साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ी दूषी महिला है, कथक नृत्य में उनका उनका बहुत नाम है, और बनारस में नृत्य विभाग की हुई एक जाना पहचाना वो चेहरा है, और उनकी वो एक परफॉर्मर है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मर है, और दिल्ली दूरदर्शन की वे ए ग्रेड की कलाकार है,
वो टीचर तो है ही, परफॉर्मर भी मैंने बताया, और साथ साथ में वो ICCR जो अभी डिप्टी डायरेक्टर भी आए हुए थे वहां से, क्या नाम है, राजीव कुमार जी भी वहां के वो एम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं और विदेश में भी आती जाती रही हैं और ICCR की तरफ से भी गई हैं। मेरे ख्याल से वो कनाडा गई थी जहां तक मुझे, मैंने पढ़ा था इनका बायोडाटा, और मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर हैं और साथ साथ में उनको फेलोशिप भी मिला है HRD मिनिस्ट्री से, और JRF रही है मैं कथक डांस में वर्ष 2000 में, और हाँ मैं जैसे बता रहा थी कि वो ऑटवा गई थी कनाडा से, और ऐसे कितने अवार्ड हैं, मुझे लगता है कि पढ़ूंगा तो शायद और एक कितना समय चले जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत, मैंने जैसे बताया कि वे बहुत अच्छा रिसर्च का शोध पर बहुत काम किया उन्होंने, वो एक बहुत बेहतरीन शोधार्थी भी हैं एक तरह से, और नित नए कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं। हमारे पास जब ये हमने उनको बुलाया था अपने सेमिनार में, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज बताई थी, कुछ उन्होंने कठपुतली पर बहुत अच्छी चीज बताई थी, मुझे याद आ रहा है उनकी बातें, और वो एक वाकई में उनका एक यूनिक काम है, अद्वितीय काम किया उन्होंने इस क्षेत्र में, और उन्होंने रिसर्च वर्क में कथक नृत्य में रस निरूपण जो कि बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है उनकी तरह से, और उसका एक बहुत मुश्किल पक्ष है कथक नृत्य में कि कथक में ठुमरी का भाव पक्ष बताना, उस पर भी उनको JRF MHRD की ऐसे उनको फेलोशिप मिली थी मेरे ख्याल से, और उसके बाद उन्होंने कथक नृत्य शैली में सामयिक परिवर्तन एवं अभिनय प्रयोग उनका PhD का टॉपिक था, और ऐसे उन्होंने तो बहुत ही किताबें लिखी हैं, उनमें कथक नर्तन बहुत एक उसके दो पार्ट हैं जो आए, उनका बहुत मान्यता है कथक क्षेत्र में, और खूब प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स इस पुस्तक का, और लखनऊ घराने पर तो उन पर कथक नृत्य की बहुत बेहतरीन किताब है, और बहुत सारी किताबें हैं उनकी, और रिसर्च पेपर भी उन्होंने बहुत सारे पढ़े हैं, और आर्टिकल्स कम से कम उनके तो 120 आर्टिकल उनके छप चुके हैं कि, और परफॉर्मेंस उनका देश ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस की है, श्रीलंका, नेपाल, जर्मनी, USA, मॉरिशस, और देश में तो, और टेलीविजन में भी उन्होंने बहुत किया है, उनकी कई क्रिएटिविटी है, कोई प्रोडक्शंस भी बहुत हैं, डायरेक्शंस भी बहुत हैं उनकी, 2019 में लेटेस्ट था कुंभ मेले में उन्होंने बहुत, बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया, तो मुझे लगता है इतना बहुत है शायद। अच्छा ठीक है जी, और मुझे लगता है वे अपना अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकती हैं, और विशेषकर जैसे कुछ वो बता रही थी महिलाओं को लेकर, मतलब कथक में या नृत्य को लेकर उनमें क्या क्या व्याधियां आती हैं और क्या क्या उनसे कुछ सही हो सकता है, उसमें उसमें अगर कुछ कहें तो लोगों को बहुत नई जानकारी मिले। जी प्रोफेसर डॉक्टर विदिना, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, और मेरे 10 मिनट में से 5 मिनट आपने ले लिए मेरे परिचय के लिए, जो कि आप 5 मिनट और ले लीजिएगा बेशक। तो सबसे पहले धागे न धागे तिट धागे न धागे तिट जय दुर्ग दुर्गति नाशनी दल दल असुर दल दल मल शुम्न शुम्बन बाण मार पछार डारत तनक में दाभुवन त्रिभुवन जय तु जय 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 तु जय जय तु जय सुर सकल निर्भय कान गावत ताल दय 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 मृदंगन टंक जिंगन तनक दिन तनक दिन तनक दिन गिन तदा गिन धा तदा धा धा तदा धा धा तान ता 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 तदा दा दा तदा दा दा तदा दा तान ता 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 तदा दा दा तदा दा तदा दा धा। ये बंदिश बहुत जरूरी हो गई थी दुर्गा परन सबको जगाने के लिए। हम लोग 9:30 के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसलिए मैंने कहा शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत सुंदर, बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नादौरा को, सबसे पहले ऋषितोष जी को कि आप एक सुंदर ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसमें कितने लोगों को आपने जोड़ लिया, देश विदेश से सब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और आपकी सहधर्मिणी आचार्य जागृति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय पद्मश्री गुरुवर
राजेश्वर आचार्य जी को, डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री राजीव जी को, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, लावण्या दीदी और जितने भी सब शिवानंद महाराज जी और बहुत लोग दिख रहे हैं, और साथ ही हमारे इस सत्र के चेयरमैन प्रोफेसर रवि शर्मा जी और जो मेरी सहवक्ता थी प्रोफेसर नीलू शर्मा दीदी, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। इसके साथ जितने भी हैं एकेडमिशियन है, आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को मेरा अभिवादन। मैं अपनी बात बहुत सारी चीजें नीलू दीदी बोल चुकी हैं अपने वक्तव्य में, उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगी और कुछ नई बातों को आपके साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। इस संस्था का नाम है नाद औरा। औरा शब्द जो है वो अपनी पूरी कहानी खुद ही कह देता है। औरा के लिए हम लोग बचपन से सुनते आए कि वो व्यक्ति का औरा ही अलग था, वो व्यक्ति जो आ रहा था उसमें देखा था कितना औरा था, कितनी चमक थी, कितनी तेज थी, कितना उसमें ऐसा कुछ योगी यौगिक तत्व था या और सारी चीजें थी। और इसके साथ ही जुड़ी चीज हम लोग एक और सुनते आए, पढ़ते आए, गुनते आए और कर भी रहे हैं उसको प्रैक्टिकली। 108 मनकों की माला होती है, कहते हैं कि जिसका मंत्र बार बार किया जाता है वो चीज सद जाती है। जब एक ही मंत्र का जाप हम 108 बार करते जाते हैं नियमित रूप से, तो वो हमारे अंदर सद जाती है और एक ऐसा औरा पैदा करती है जो हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी चीजों से लड़ने में मदद करती है। और ये आशीर्वाद ईश्वर की ओर से संगीतज्ञों को प्राप्त है, क्योंकि संगीत की कोई भी विधा हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, सभी में जो हम लोग नियमित रियाज करते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं, उनकी जैसे अभी मैंने ये मिश्र जाति में एक दुर्गा परण पढ़ी आपके समक्ष, और अचानक जो लोग सुन रहे होंगे भले ही वीडियो ऑफ है उनका, लेकिन उनका ध्यान गया होगा, तुरंत ध्यान गया कि अरे ये क्या हुआ, जो एक साधारण रूप से बातें चल रही थी उससे कुछ अलग। ये संगीत, ये नृत्य, ये सारी विधाएं हमको इसीलिए हमारे समाज में एक विशेष दर्जा भी दिलवाती है, एक विशेष स्थान भी दिलवाती है। और हम लोग बचपन से ये भी सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। इसमें हेल्दी शब्द बहुत पहले आता है और आज के विषय में भी ये शब्द है, द रोल ऑफ डांस इन मेकिंग लाइफ हेल्दी। और जो साल भर से हम लोग चीजों को देख रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान, उसमें ये चीज तो बच्चे बच्चे को समझ में आ गई है कि हेल्थ जो हमारे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद ही वेल्थ और कोई भी चीज आती है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम हैप्पी हैं, हम अगर स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो खुशियां कोई हमारा दरवाजा रोक ही नहीं सकती, हम अपने आप खुश रहते हैं। और बहुत बार आपने देखा भी होगा, ये जो संगीतज्ञ होते हैं वो स्वयं में डूबते हुए जितने भी दर्शक श्रोता होते हैं उनको आनंदित करते रहते हैं। ऑडियंस में जो लोग बैठे होते हैं वो वाह वाह करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि उनके मुंह से वाह निकलती है, ऐसा कुछ उनके चीजों को देख कर सुनकर जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जो उनकी स्थितियों में उनके एंजाइम्स जो शुरू हो जाते हैं बॉडी से, वो ऐसे केमिकल्स निकलना जिस तो उनको शांति मिलती है। एंड्रोफिन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमें खुशी देता है, और ये खुशी हमें उन सब चीजों से मिलती है जो हम सकारात्मक रूप से करते हैं। मैं उन चीजों को दोहराऊंगी नहीं जो मेरे से पहले वक्ता प्रोफेसर नीलू शर्मा जी बता चुकी हैं, ताकि कुछ नई चीजें भी आपके सामने आए। इसके साथ अब मैं बात करती हूँ श्वास की। श्वास, श्वास ना हो तो मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और वो निकल जाए तो खत्म। श्वास का ही सारा खेल है, ये शरीर चल रहा है तो भी, ये मन चल रहा है तो भी, ये आस चल रही है तो भी, और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हम लोग नृत्य में करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मैं कथक नृत्य की ही शोधार्थी हूँ इसलिए कथक की बात कर रही हूँ। इसमें थाट यानी खड़े होने का एक स्टैंडिंग पोस्चर होता है जिसमें कसक और मसक क्रिया होती है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। जो कथक के विद्यार्थी होते हैं उनको शुरू से ही पैरों के फुटवर्क के साथ साथ जब खड़े होने का ढंग सिखाते हैं, तो श्वास लेना मतलब अपने प्राणों पर किस प्रकार हम काबू करेंगे, किस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस, ये चीज हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है और ये योग से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही ये जो हस्त मुद्रा है, ये जल तत्व है, वायु तत्व है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो शरीर का बैलेंस करते हैं। ये जैसे किसी पर उंगली पॉइंट आउट करते हैं, नेगेटिव कहलाती है चीज, ए तुम इधर आओ, जैसे बोलते हैं इधर आओ, तो जब ये उंगली दिखाई जाती है तो ये नेगेटिव मानी जाती है
और जब हम थम्स अप कर देते हैं, आजकल तो फेसबुक में सब लाइक करते हैं, तो यहीं से हम पॉजिटिव होना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी को दबा कर जब हम पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं तो बस यहीं से हमारे स्वस्थ रहने का मंत्र तो हमें मिल ही जाता है नृत्य के विद्यार्थियों को। तो ये जो हस्त मुद्रा है, अराल कहते हैं इसको, और जब हम खड़े होते हैं सिस्टैटिक, जो प्रारंभिक एक पोश्चर है कथक का, जिसमें श्वास लेना और छोड़ना बराबर उस रिदम के साथ चलता है, 16 मात्राओं के जो मन के घूम रहे होते हैं उसके साथ जब वो चलता है तो वो एक विशेष ऊर्जा का संचार करता है हमारे शरीर में, और वो हमें एंड्रोफिन को रिलीज करने में मदद करता है और बहुत ताकतवर बनाता है। इसी कारण आप ये देखिए, जो नर्तक होता है मंच पर जब प्रदर्शन करता है तो वो एक जगह उसका ध्यान नहीं होता, वो दर्शकों को भी बांधे होता है, वो गायन को भी सुन रहा है, वो वादन को भी सुन रहा है, उसके साथ जितने लोग बैठे हैं उन सबको फॉलो करते हुए वो दर्शकों को अपनी ओर खींच लेता है। अब खींचने के साथ यहाँ पे उसकी बॉडी तो उसका टूल है, नर्तक के लिए सबसे बड़ा जो साज है, जो बात है, जो नाद है, वो उसका शरीर है, वो शरीर से ही नाद। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पर कहूंगी कि जो डांसर है वो गायक भी है, वो वादक भी है, और वो नर्तक भी है, कलाकार पूरा है, क्योंकि घुंघरू बज रहे हैं तो वाद्य बज रहे हैं, घन वाद्य उसके पैरों में ही है। और पढ़ंत जब वो करता है उस रिदम में, ताल में, तो गाने की भी क्रिया उसके साथ चल रही है। तो ये तीनों चीजें, तीनों क्रियाएं जब की जाती हैं तो उसका शरीर पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही ये जो 3 D's हैं, ये हमारे अंदर अपने आप शुरू से जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं, और हमेशा ही होते हैं, एक साधक तो विद्यार्थी ही होता है, तो जो डिसिप्लिन उसके अंदर आता है जीवन में, चाहे वो नृत्य करने का हो, चाहे जीवन में कोई भी चीजों का हो, वो उसको थोड़ी एक विशेष स्थान दिलवाता है। जो डेडिकेशन होता है वो रियाज करने का, और जो डिवोशन होता है नृत्य के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने कथक के प्रति, और उनसे जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट्स के प्रति, वो उसको एक अलग दृष्टिकोण देता है, जिससे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लेवल बहुत बढ़ता है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में निराशाएं भी आती है, नेगेटिविटी भी आती है, दुख के क्षण भी आते हैं, लेकिन वो बार बार नृत्य ही है जो, या संगीत कलाएं हैं जो उस ऑरा को वापस ले आती हैं, खींच खींच के, और हमें एक अच्छा बेहतर समाज में इंसान बनने में मदद भी करती है। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत प्रभावित होती। कितनी चीजें, अभी नीलू दीदी ने भी बताया कि चीजें हम याद करते हैं, हमारी मेमोरी में रहती हैं। ये जो परन मैंने बोली 30 साल पहले सीखी थी, लेकिन वो कंटिन्यूअस इतनी बार मन को की तरह दोहराई गई है कि आप जैसे ही बोलेंगे वो फिर से वापस उसी अंदाज में शुरू हो जाएगी। तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी इससे बहुत स्ट्रांग होती है। और डांसेस आल्सो गिव थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट इन सो मेनी वेज, वो बहुत सारे वेज उन्होंने बताए कि हमारी दृष्टि, हमारी ग्रीवा, हमारी श्वास। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं एक चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजों के फायदे तो हमें हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर डांस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, लेकिन अगर रुक रुक करके या कई महीनों का ब्रेक हो जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो उसका हमारे शरीर पर, डांसर्स के शरीर पर, ये मैं कोट कर रही हूँ इस चीज को, ये भी मेरा बहुत लगभग 40 साल का अनुभव है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे गुरुओं से इस बारे में बात हुई, इस पर मैंने एक छोटा सा काम भी किया था, बहुत सारे डांसर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और मैं खुद भी। अगर हम लोग अपने रियाज को रोकते हैं तो उसका फिर हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। गायक का गले पर पड़ता है, वादक का अपने हाथों पर पड़ता है, लेकिन नर्तक जो होता है उसका संपूर्ण शरीर, क्योंकि उसका वाद्य होता है, उस पर असर पड़ता है। बहुत सारे नर्तक जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते वो स्पॉन्डिलाइटिस के भी शिकार रहते हैं, क्योंकि एक समय में वो रिग्रेस ट्रेनिंग करते हैं और ये सारी मांसपेशियां चलायमान रहती हैं, और फिर जब उसको रोक देते हैं तो फिर नेचुरली यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरे, आपको एक बहुत मजेदार तथ्य बता रही हूँ आज की, अगर आप डांसर्स के पैरों के वो कराएंगे, एक्सरेस कराएंगे, तो वो सब कई जगह से टूटे फूटे मिलेंगे आपको, विशेष रूप से कथक, क्योंकि इसमें पदाघात बहुत तेज गति से होता है, और फुटवर्क तो कथक का पहचाना जाना माना है कि इसमें जो वेव है, जो वेग है, ये सारी चीजें जो हैं वो श्वास पर भी काबू करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पैरों की पोजीशंस बदल देती हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। कभी कोई पैरों में दोष भी आता है तो वो चूंकि इतना रियाज किया होता है तो वो पैर उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तभी आप देखिए 95 वर्ष की कथक साम्राज्ञी सितारा देवी हो,
चाहे हमारे इसके जयपुर घराने के प्रतिष्ठित गुरु गुरु राजेंद्र गंगानी जी, ये लोग सभी, उनका एक एक्सीडेंट में उनके पैरों पर चोट आई थी लेकिन उनकी हड्डी भी जुड़ गई और वो अभी वापस उसी गति से नृत्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। इसके अलावा सोनल मानसिंह जी हैं या प्रोफेसर पारुल शाह जी हैं या ये अलग अलग डांस, प्रोफेसर पारुल शाह भरतनाट्यम की हैं और आनंदा जयंत जो है वो हैदराबाद में है और भरतनाट्यम की बहुत अच्छी डांसर है। इन सबको कैंसर हुआ था और ये कैंसर जैसे रोगों से लड़कर आए, ये सिर्फ और सिर्फ उनका मनोबल था, नृत्य था जिसने उनको ऐसी दुष्परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत दी और उससे वापस निकाला और वापस ये लोग मंच पर आए और इन्होंने नृत्य किया। ये मेरा खुद भी निजी अनुभव है कि नृत्य जो है हमको बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थितियों से खींच के ले आता है। हम नहीं आना चाहते लेकिन ये नृत्य खींच के लाता है। ये संगीत कलाओं में ये जादू है, ये संप्रेक्षण है, ये अभिप्रेक्षण है कि ये हमको खींच के ले आती है। और इसके साथ बस कुछ बात और आपके सामने रखूंगी। दो चीजें हैं जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि ट्रेडिशनल रूप से जिस प्रकार से कलाएं हमको मिल रही हैं या चलती चली आ रही हैं, वो बहुत तरह से उसका रूप बदला है। जो हमारे पुराने गुरु करते थे, मैं आज ही की बात आपको बता रही हूँ, दिल्ली कथक केंद्र जो 75वां स्वतंत्रता का फेस्टिवल मना रहा है उसमें आज बहुत प्रतिष्ठित गुरु जयंत कस्तवार जी ने अपनी नृत्य प्रस्तुति दी और उन्होंने बैठकी भाव से करीब करीब एक घंटा भावाभिनय की प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने कई भेदों का सूक्ष्म चित्रण किया। नासिका भेद, चिबुक भेद, चिबुक भेद, फुल्ल भेद, गले ये गाल का, ग्रीवा भेद, ओष्ठ होंट के भेद, आईब्रो के भेद, भ्रू भेद, आंखों के भेद, इनका सूक्ष्म चित्रण दिखाया और उसको ये बताया कि ये चीजें अब लुप्त हो रही हैं। और वाकई इतना सूक्ष्म चित्रण, अब जो गुरु हैं वो लोग भी समय को देखते हुए उस प्रकार से नृत्य करते हैं। तो मेरा कहना ये था, जो दो चीजें मैं कह रही थी, एक तो परंपरागत रूप से हमको जो कलाएं मिल रही हैं, ये कलाएं जो पुराने गुरु करते थे ये थेरेपेटिक रूप से ही करते थे, उसमें योग था, उसमें श्वास थी, उसमें प्रक्रिया और सारे जितने आसन हैं वो सारी चीजें, जितनी हमारी जो भारतीय संस्कृति की एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी हमें बहुत आराम से देखने को मिलती थी। लेकिन अब हमें वापस जरूरत है कि उस ट्रेडिशन को जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, यानी जिसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, उन सारी चीजों को वापस थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि भारतीय संस्कृति तो ये है ही लेकिन ये किस प्रकार से रोगों के निदान करने में सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सक्षम नहीं है और इस पर हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं। विशेष रूप से पैंडेमिक जब से आया तब से इसमें मैं एक छोटा सा काम भी कर रही हूँ कि इस तरह की कोई हमारे लिए कैप्सूल होनी चाहिए, इस तरह की कोई कैप्सूल हम बनाएं, एक बींग ए आर्टिस्ट, कथक आर्टिस्ट की, जिसमें योग, हमारी प्रक्रियाएं और हमारी ये सारी चीजें अगर हम 15 से 20 मिनट तक रोज करते हैं तो वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव करे। दूसरा, प्रोफेसर रवि सर ने मुझसे ये चीज भी कही थी महिलाओं के लिए किस प्रकार से ये बहुत मददगार है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे फील होती है, इतने दिन से मैं नृत्य की विद्यार्थी हूं और कर रही हूं इसको, तो जो नृत्य करने में खुशी मिलती है, चाहे वो एक परफॉर्मर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक घरेलू महिला हो, आप देखिए घर में जब बन्ना बन्नी होते हैं, सोहर होते हैं, सब कैसा हंसी मजाक करती हैं, उनको होश ही नहीं रहता है कि खाना भी बनाना है या क्या और काम करना है। वो जो एक खुशी होती है वो ही तो है असली चीज, वो हैप्पीनेस ही है जो हमें हेल्दी रखती है और मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। सारी चीजें बाद में आती हैं लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं तो हम हेल्दी सोच पाते हैं, हम हेल्दी बोल पाते हैं, हम हेल्दी कर पाते हैं। तो ये चीजें जो हैप्पीनेस देती हैं हमको, ये और किस में होगा, ये भारतीय संस्कृति की जो हमारी परंपराएं हैं, सच में ये ऐसी रूट्स हैं जिनमें ये सारी चीजें हैं। और मैं बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कि उन्होंने हमारी संगीत कलाओं को को-करिकुलर एक्टिविटीज से हटाकर मेन कोर्स में लाए हैं और उसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, बहुत जगहों पर हो रहा है और निश्चित रूप से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या इस कला के विद्यार्थी हैं इनको और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे
और बहुत कुछ आगे चीजें कर पाएंगे। तो जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ एक छोटा सा कि ये किस तरह के थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए एक छोटा ऐसा कॉम्पोजिट प्रोग्राम हो जिससे हमारे न सिर्फ विद्यार्थियों को या कथक के लोगों को बल्कि आम महिलाओं को भी इसका फायदा हो, ये जैसे ही कंप्लीट होगा या कुछ चीजें होंगी जरूर ये संगीत जगत में आप सबके सामने आएंगी। और आप लोग सब मुझे ब्लेसिंग्स भी दीजिए कि जो काम कर रही हूँ उसमें कुछ कर पाऊँ। और साथ ही सभी बड़ों को मैं पुनः एक बार फिर प्रणाम करती हूँ। और मैंने 10 मिनट का ही समय लिया है, उसमें अपनी सभी बातों को आपके समक्ष रख सकी होंगी ऐसा मेरा मानना है। और पुनः नादौरा और उनकी टीम और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विधि नागर जी, आप वाकई में एक बहुत बेहतरीन शोधार्थी हैं। मैं शुरू में ही मैंने कहा था आपको, और आपके जो अभी बता रही हूँ नया प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है उसमें भी आप बहुत कुछ कुछ नई चीजें लेकर आएंगी, कुछ नया नए शोध की संभावनाएं लेकर आएंगी, और कुछ ऐसी संभावनाएं होंगी जो जिसको आपने कुछ नए रूपों में सामने आएगा, और ऐसा बहुत सारी उम्मीद कर सकते हैं। और हमारा नृत्य जो क्षेत्र है तो वो तो वाकई में जैसे हम बात कर ही रहे थे कि वो तो हमारा पूरा बॉडी इन्वॉल्व रहता है उसमें, उससे उसकी वजह से हमारे कई जो रोग हैं वो बिल्कुल तिरोहित हो जाते हैं। मैं ये भी कहने का प्रयास कर रहा था इसमें, क्योंकि गायन वादन पर एक जगह बैठे उसमें पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, लेकिन फिर भी नृत्य में जितनी इन्वॉल्वमेंट होती है वो शायद और गायन वादन की किसी और विधा में नहीं होती। नृत्य चाहे वो कथक हो, चाहे कोई भी कथक के अतिरिक्त तो और भी नृत्य हो, या वो चाहे लोक नृत्य ही क्यों ना हो, तो मुझे लगता है इन सब में जो हमारा बॉडी मूवमेंट होता है वो हमारी कई व्याधियों को, कई प्रकार की समस्याओं को विद इन नो सेकेंड दूर कर देता है। ये मेरा एक तरह से कहने का प्रयास था। और आपको तो पता ही है, कोई कुछ कह रहा था जी इसमें सर, एक मिनट लेंगे। जैसे ठाट की मैंने बात की थी, कसक मसक की, तत्काल है, सम है, सम जो चीज है, आप ये देखिए एक मतलब फिर से थोड़ा समय एक मिनट ले रही हूँ। सम है जब हम कोई भी टुकड़ा करके आए और फिर जो सम पर आके हम श्वास छोड़ते हैं, ये पूरा पूरा भत्सिका प्राणायाम है। भत्सिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं, ये श्वास को तेजी से छोड़ते हैं। Yes. और हम जो सम जितने भी टुकड़ों में, परन में, चक्रधार में लेते हैं, भत्सिका प्राणायाम का ही स्वरूप है ये। हमको तभी तो आप देखिए डांसर जितना करता जाता है वो एनर्जाइज होता जाता है। ये एक सोचने की बहुत बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, क्यों वो एनर्जाइज होता जाता है। वो एनर्जाइज होता जा रहा है क्योंकि श्वास प्रश्वास उसमें और दम खम भरते चले जा रहे हैं। इतनी उम्र में जा करके भी वो इस तरह से सुने ना, हजारी लाल जी को देखिए, बनारस घराने की नर्तकी हैं, करीब करीब 76-77 साल की वो हो रही हैं, लेकिन जब वो मंच पे खड़ी होती हैं एक घंटा तो वो ऐसा फुटवर्क करती हैं कि हम लोग देख करके वो जाते हैं कि बाप रे इस एज में कैसे कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दम भरती जाती हैं, और अपना मनोबल तो होता ही है, मनोबल के बस में तो सारी चीजें ही हैं, भ्रमरी है, तरह तरह के चक्कर हैं। चक्कर लेते समय भी 2 पैर के, 1 पैर के, 3 पैर के, 5 पैर के, 8 पैर के, जब हम लोग चक्कर लेते हैं उसमें भी हमारी जो प्राण है, श्वास है, वो अलग अलग तरह से कार्य करती है। जब 1 पैर में 2 चक्कर ले करके नर्तक आता है तो वो अलग तरह से श्वास भरता है, दम भर के तब वो चक्कर लेना शुरू करता है, और जब वापस आता है तो दम छोड़ता है। तो ये चीज आपको बल देती है, कहीं ना कहीं आपका सिस्टम को मजबूत करती है। अभिनय, अभिनय के लिए जैसे मैंने अभी गुरु जैन कस्तवार जी के लिए बोला कि ये जो अभिनय की छोटी बारीकियां है, सूक्ष्म, ये आपके मस्तिष्क की नसों को मजबूती देती है, क्योंकि आप एक साथ इतनी चीजों को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उधर गाना सुन रहे हैं, उधर ऑडियंस को देख रहे हैं, ऑडियंस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। बस मैं यही बात अपनी खत्म करती हूँ, ये कुछ चीजें और जोड़ना चाह रही थी। धन्यवाद। मुझे लगता है अब आपने 10 मिनट से ज्यादा ले लिया समय, शिकायत नहीं रहेगी अब आपकी। नहीं नहीं ठीक है, ये नहीं, आपने आपने वाकई में बहुत अच्छी बात करी। आपने जैसे कसक मसक की बात कर रही थी, अब तो शायद कसक मसक बहुत कम देखने को मिलता है, सच पूछे तो। अब ये तो जैसे आप कह रही थी कि अब सर यही मैंने 2 चीजें कही ना, कि एक जो ट्रेडिशन से चला आ रहा था, जो बीच में चीजें हुई हैं, जो पहले इन्होंने
पहले वक्ता जो हमारे गायन में थे उन्होंने भी वो बात कही थी मिश्रा जी ने कि उन चीजों को वापस ठीक करके थेरोपेटिक रूप में अगर हम लोगों के सामने लाएंगे तो भारतीय संस्कृति तो है ही है, साथ में ये पूरा साइंटिफिक रीजंस के साथ ये चीजें दिखती हैं कि हम इन चीजों का जब प्रयोग करेंगे तो हम किस तरह से और अपने को मजबूत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमको आपने जैसे अंत में कहा भी कि उसको हम अपने जो ट्रेडिशन समय जो मिले थे वो थेरेपिटिक वैल्यू में जो मिली थी उसको हम वापस लाने का प्रयास करेंगे। और आप डिजिटाइजेशन की बड़ी अच्छी बात करी कि अगर डिजिटाइजेशन भी हमारे नृत्य ही नहीं पूरे भारतीय संगीत का कुछ अच्छे प्रकार से हो सके, कुछ इस पर कुछ सेंटर बन सके कहीं पर डिजिटाइजेशन का, तो बहुत बड़ा काम होगा मुझे लगता है। आपका आपने बड़ा अच्छा अच्छा सुझाव दिया। और वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली बात तो आप रही ही नहीं सकते, अब तो कोई नहीं अर्ली टू बेड अर्ली राइज कुछ नहीं होता मुझे लगता है। इसीलिए ये हेल्थ की इश्यूज आए और प्रॉब्लम आने ने पैर पसार लिए। वही वही आपने आपने बहुत अच्छी चीज कही। और हमारे म्यूजिशियंस में तो सुबह का रियाज की बहुत प्रधानता दी गई है कि भाई रियाज करना है या पढ़ाई भी करनी है तो सुबह उठकर करो, तो लगता है वो शायद अब मुझे लगता है वो शायद मुहावरों में कविताओं में या कुछ और में रह गया होगा, हमारी बातों में रह गई है। मुझे लगता नहीं कि शायद वो अब ये सब चीजें वापस आएंगी, जब तक उनको खुद धक्का नहीं लगेगा वो शायद उसको महसूस नहीं करेंगे मुझे लग रहा है। हम जितना भी समझाते रह जाएं बच्चों को बड़ा मुश्किल है। और आपने वो ऑरा की बड़ी अच्छी बात करी, वो कि इंसान का वो ऑरा ही देखते ही बनता है कि हाँ उसका यार ऑरा बड़ा खूबसूरत था। और मैंने एक जगह पढ़ा था शायद कहीं किसी किताब में कि रूस में एक ऐसा शोध हुआ था जिसको किरलियन वर्ड होगा फोटोग्राफी कहलाती है, जो रूस में एक कैमरा भी बन गया था कि जो आपका वो फोटोग्राफी से वो आपका बता सकेगा कि आपका ऑरा कितना डिस्टर्ब है या आपका ऑरा कितना अच्छा है। वो रूस में कैमरा बना था, मुझे उसकी पूरी सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं सुनी नहीं बल्कि मैंने पढ़ा था। और उसका आगे कैसे वो फोटोग्राफी होती है कैसे उसका वो शायद हो सकता है अभी शायद प्रोफेसर मुकेश गर्ग जानते हो उस बारे में, उसके बारे में तो वो बताएंगे शायद वो। तो आपने श्वास की कितनी बड़ी अच्छी बात करी कि वाकई में तो सारा खेल श्वास का है, श्वास नहीं रहेंगे तो एकदम से राम नाम सत्य हो जाता है। आपने बड़ा अच्छा कहा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा इंसान का। और मात्राओं के साथ कैसे कंट्रोल करना होता है सांसों को, ये बड़ी अच्छी 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 बात कही आपने। और साथ में देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपने और भी बड़ी अच्छी बात करी कि वो कथक, मुझे भी ऐसा भी लगता है कि कथक ही एक संपूर्ण कलाकार वो यूं है कि वो गायन भी जानता है वादन भी जानता है और वो कथक भी करता है, वो तो संपूर्ण कलाकार है अपने आप में। आप मैंने जितने भी अच्छे कलाकार देखे हैं कथक के वो ये तीनों विधाएं जानते हैं। मेरे फादर तो बहुत अच्छा बेहतरीन गाते भी थे, बहुत अच्छा तबला भी बजाते थे, बहुत अच्छी उनकी उनका उनकी परन लाजवाब थी, उनका डांस तो अद्भुत था ही। खैर तो कहने का तात्पर्य है कि वो कथक में तो ये सब तीनों ये सब विधाएं जानते ही होते हैं, अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार होता है। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो तो नृत्य अगर वो कुछ दिन ना करे तो उसका तो बॉडी ही बल्कि खराब हो जाती, बल्कि बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो कहूंगा बॉडी शिथिल हो जाती है। और रियाज में तो कहा गया कि अगर आप एक दिन रियाज नहीं करेंगे तो आपने एक हफ्ता या एक महीने का रियाज किया है ना, ये तो नृत्य नहीं सर गायन वादन सबके साथ ये माना जाता है। और आपने बड़ा अच्छा बताया कि कैंसर से कई नृत्यांगन है जूझती हुई वापस आई हैं, अपना नृत्यांगन है कुछ ऐसी जिनका नाम लिया आपने अभी। और आपने वो बहुत अच्छी बात करी कि थेरेपेटिक वैल्यू के साथ ही सिखाया जाता था, वो लगता है कुछ ना कुछ समय में वो दोबारा वापस आएगा ऐसा लगता है। जैसे आपने भी संभावना व्यक्त की, मैं भी वैसी संभावना व्यक्त करता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपना हमारे जो पंडित गिरीन्द्र चंद्र पाठक जी हमारे मॉडरेटर, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ कहें, अपना मॉडरेट करें। और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी जो आमंत्रित करें, लगता है बहुत से इंतजार कर रहे हैं शायद वो भी। एक शब्द की इजाजत चाहूंगा प्लीज। हाँ, कहा जाता है कि गायन वादन और नृत्य में सम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ जी हाँ जी, वो बता रही थी डॉक्टर साहिबा, बता रही थी महत्वपूर्ण स्थान है। और वो जो सम पर पहुंचने के लिए जो
वर्ण जो अल्फाबेट्स जो वजन से जो धा शब्द आता है वो संपूर्ण कहिए तो जब तक धा अच्छे से नहीं लगे तब तक वजन से नहीं लगे तो वो पूरा आप लाख तिहाई बजाइए फरमाइशी बजाइए तो वो पूरा निखर के नहीं आता। तो मैं तो एक आता जी एक सेंटेंस इसके साथ और भी जोड़ दूंगा। मुझे लगता है ये सम का जो प्रावधान है मुझे लगता है दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और किसी के संगीत में सम है भी नहीं शायद मेरे ख्याल से। जी 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 मुझे नहीं लगता तो किसी और संगीत में। मेरा कहने का तात्पर्य ये था चूंकि हमारे डॉक्टर मुकेश गर्ग जी आदरणीय उपस्थित है तो अभी पूरे समीकरण पूरे वेबिनार का एक तरह से कहिए धा के तौर पर ये प्रस्तुत होंगे और मैं आगे का मैं पंडित गिरिचंद पाठक जी से सो मैं क्षमा चाहता हूँ पहले मैं बोल दिया दो मिनट उनका करके वो सेशन को मुकेश गर्ग जी को आप कृपया आप प्रेषित करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं माननीय रवि शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया सेशन चलाया। और जहां तक मॉडरेशन की बात है जितनी बातें भी हुई है उसमें कहीं से कोई मॉडरेशन की बात नहीं है। हमारे सामने एक निधि बैठे हुए हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग साहब। बिल्कुल हम चाहेंगे कि इनको सुने और जो बातें इनसे हम लोगों को मिलेगी वो निश्चित रूपेण ग्रहण करने योग्य होगी। इसलिए मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग साहब से विनीत प्रार्थना करूंगा निवेदन करूंगा कि आप डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं म्यूजिक स्कॉलर हैं क्या नहीं है इतना अनुभव है आपका। मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य से हम लोगों को ज्ञानवर्धन हम लोगों का करें। धन्यवाद वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं नाद ओहरा और उसके चेयरमैन डॉक्टर ऋषितोष जी को कितना धन्यवाद दूं। कितना बड़ा काम वो करते हैं लंबे समय से मैं देख रहा हूं और रवि जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि वो इस वेबिनार के लिए भी कितने समय से कोशिशें कर रहे थे और कितने लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है। बात यह है कि इतना ज्यादा मैंने सुना है अभी 2-3 घंटे में और उसमें ऐसी ऐसी नई बातें मेरे सामने आई हैं जिन्हें सुनकर मैं खुद बहुत सारा ज्ञान इस वेबिनार से ले पाया हूँ। सबसे ज्यादा मैं श्री राजीव कुमार जी को DDG ICCR को उनके कीनोट एड्रेस के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत बढ़िया जो एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार है उसके अनुकूल बहुत सारी बातों को जुटाकर हमारे सामने रखा जो काम की बातें हो सकती थी। डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी उन्होंने भी कुछ बातें मैं उन्हें बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ और उनकी बातें मुझे हमेशा सुनने को मिलती हैं और अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर भी। फिर जो सेशंस शुरू हुए सेशन 1 और सेशन 2 लावण्य कीर्ति जी ने पहले सेशन को बहुत अच्छी तरह संभाला और अपनी बातें उन्होंने कही बहुत सारी नई बातें भी कही खास तौर से थेरेपी के बारे में भी बातें उन्होंने कही। बड़े सुचिंतित विचार थे। गोपाल कुमार मिश्र जी की अपनी बातें थी। सुरचंद्र शर्मा जी ने अपनी बातें कही। उन सब बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतनी देर से हम सब बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं और हमारे जो ये संचालक थे उन चेयरमैन थे अलग अलग सेशन के लावण्य कीर्ति जी और प्रोफेसर रवि शर्मा जी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दोनों सेशंस को चलाया है। नीलू शर्मा जी ने प्रोफेसर विधि नागर जी ने नृत्य के बारे में जिस तरह की बातें हमें बताई हैं इससे पता लगता है कि आज सिर्फ नाचना गाना ही नहीं रह गया है हमारे जीवन में उस नृत्य और गायन वादन के ऊपर हम गहराई से चिंतन भी करते हैं। और मैं नीलू जी और विधि जी दोनों का बहुत आभारी हूँ
और रवि जी का खास तौर से कि उन्होंने सत्र को इस तरह से संचालित किया कि नई नई बातें निकल के आईं, कुछ सवाल नए खड़े हुए, और उनमें मैं रवि जी को इसलिए कह रहा हूं, उनका नृत्य के घराने से गहरा संबंध है, नृत्य से गहरा संबंध है। वो सितार वादक है, लेकिन गनीमत है कि सितार पर वो नृत्य ज्यादा नहीं बजाते, किसी दूसरे घराने के लोग सितार पर नृत्य ज्यादा बजाते रहे, और वो कहते भी रहे कि हम तो सितार पर तबला बजाते हैं या नृत्य बजाते हैं, लेकिन रवि जी का जो सितार है उसमें नृत्य कम होता है, उसमें आत्मा को पकड़ने की कोशिशें ज्यादा होती हैं। हालांकि नृत्य भी वही है जो शरीर से आपकी आत्मा को पकड़ता है। तो ये सब बातें अपनी जगह हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रायः ये मान के चलते हैं कि ये सब जो हमारी कलाएं हैं ये सब शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। जैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिस तरह से है और उसको चलाने वाला जिस तरह से अनादि और अनंत है, वैसे ये कलाएं भी अनादि और अनंत हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की फिर जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए है कि ये मनुष्य जाति के साथ जुड़ी हुई कलाएं हैं। चंद्रमा पर कोई संगीत वंगीत नहीं दिखाई देता हमें, किसी और ग्रह पर कोई संगीत आज तक नहीं दिखाई दिया, ये सिर्फ पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर जो है वो मनुष्य जाति के विकास के साथ साथ डेवलप हुआ है, और अगर उसके साथ डेवलप हुआ है तो अनादि अनंत कैसे हो जाएगा? मनुष्य का तो जन्म हुआ है, मनुष्य जाति कब तक है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कब तक रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और संगीत उसी तरह से धीरे धीरे डेवलप होता हुआ आज तक आया है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें पैदा हुई है, जो आरंभिक संगीत था आदिवासियों का संगीत था उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी, ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे विकसित होते हुए आज तक हम पहुंचे हैं। इसीलिए आज ये चिंता भी कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें आ रही हैं। हम लोग क्योंकि ज्यादातर शास्त्रीय संगीत के लोग होते हैं, इसलिए आमतौर पर शास्त्रीय संगीत को निगाह में रख के बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर का संगीत है, और वो कोई भारत का ही संगीत नहीं है, पूरी दुनिया में न जाने कितने तरह का संगीत फैला हुआ है। सबसे बढ़िया बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से हम कितने ही अलग अलग देश हों, लेकिन सांगीतिक दृष्टि से हम अपने देश में बंधे हुए नहीं रहते, देश की सीमाओं को तोड़कर अपने जैसे संस्कारों वाले दुनिया भर के लोगों से जुड़ जाते हैं। देश की सीमाओं का लंघन करना ये कलाओं का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय चरित्र है। कलाओं का मनुष्य को केंद्र में रखना ये इस बात का सबूत है कि वो किसी एक क्षेत्र या एक देश की कलाएं नहीं रहती, न जाने कहां कहां तक किस किस को वो प्रभावित करती रहती है। संगीत श्रव्य है और नृत्य दृश्य है, हालांकि उसके साथ भी जो संगीत चलता है वो श्रव्य ही होता है। संगीत के साथ कानों का काम चलता है और नृत्य के साथ नेत्रों का काम चलता है। ये दोनों ही, जैसा कि अभी सुनने में आया, सब वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, गहरे रूप में योग से जुड़े हुए हैं। यानी इन सब में यौगिक क्रियाएं ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, होती ही है। और ये जो बात बताई, स्क्विड की बात आई आंखों में, वो दूर हो जाती है नृत्य में, तो वो स्वाभाविक है। बहुत सारे रोग हैं जो कि आप फिजिकल एक्टिविटी होगी, सांस वगैरह जब आप लेंगे करेंगे तो बहुत सारे रोग ठीक भी हो जाएंगे, और गलत कर लेंगे तो बहुत सारे रोग लग भी जाएंगे। तो इस बात पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि हम नाच रहे हैं तो रोग हमारे सब ठीक ही हो जाएंगे, हम गलत नाचने लग जाएंगे तो बहुत सारे रोग हमें लग भी जाएंगे। तो बहुत सारी बातों पर विचार की जरूरत है। मैं समझता हूं इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा तो और बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। निश्चित रूप से नाद औरा वास्तव में नाद का ही औरा है, और जिस तरह से नाद दिखाई नहीं देता लेकिन उसका भी औरा होता है इस पूरे वेबिनार में
और इससे पहले के वेबिनार जो ऋषितोष जी करते आए हैं उन सब से मुझे मिलता रहा है। जब जब ये करते हैं तो मेरा मन करता है कि उसे जरूर देखूं और सुनूं, क्योंकि कोई ना कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य जरूर होता है इनके। आज तो चार चार वक्तव्य थे, उसके अलावा दो जो नियंता थे दोनों सेशंस के, उनकी बातें भी बहुत काम की थी। ये म्यूजिक थेरेपी के ऊपर लावण्य जी ने भी बहुत काम की बातें कही, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ बड़ी म्यूजिक थेरेपी चल रही है, राग से रोगों का इलाज चल रहा है, और जबकि सच्चाई ये है कि राग से रोगों का इलाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग से रोग का कोई संबंध ही नहीं है। अब राग से समय का भी कितना संबंध है, ये भी प्रश्न का एक मामला बनता है, इस पर भी सवाल उठते हैं कि राग का समय से कोई संबंध है भी या नहीं। खैर, अब ये नए सवाल उठाकर मैं इस वेबिनार को भ्रम की तरफ नहीं ले जाना चाहता, नए सवालों से लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को सुनकर, हर एक की बातों में तथ्य थे, और वो तथ्य अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप निश्चित रूप से ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध हो सकते हैं। मैं सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद बहुत छोटी सी शब्द है, और मुझे लगता है कि आपके सम्मान में मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, वाणी मूक है। हम किस प्रकार से आपको सम्मान और शब्दों से सुसज्जित करें, वो मेरे पास शब्द की कमी पड़ रही है। आप मेरा भाव को समझेंगे, और आप आए, आप अपने व्यस्त समय निकालकर सभी लोग आए हमारे पास, चेयरपर्सन, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, यहाँ तक कि हमारे मुख्य वक्ता राजीव सर भी समय निकालकर आए। हम सभी को अंतर हृदय से फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सभी का व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक था, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। और कल के सेशन के लिए हम आप सभी को फिर से मैं आमंत्रित भी करना चाहूंगा, आप लोग अपनी उपस्थिति से हमें आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करें। अभी इस सेशन में जो आप लोगों ने मुझे अपने आशीर्वचनों से और आशीर्वाद दिया है, हम अभिभूत हैं सर। शब्द देखा जाए तो बस भाव, भाव को आप समझिए, शब्द आपके सामने तो ऐसे भी, आप ऐसे शब्द साहित्यकार, संगीत और साहित्य में जहां लोग खत्म करते हैं वहां, मतलब जहां से आदमी, वहां से आपकी शुरुआत होती है सर, तो इसीलिए हमारे पास तो शब्द तो हो ही नहीं सकते। भावनाओं को आप समझिए, और आपका आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद हमें इस संस्था को प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सभी को कोटि कोटिशा धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं।